पांच ऐसी बेहतरीन इंडियन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी बताने वाला हूँ, जिसे कि अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिटरली बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो। मतलब इन पांचों मूवीज को आप लोग एटलीस्ट मेरे रिकमेंडेशन से एक बार जरूर से जाके देखना, मजा ना आए देखने में तो फिर मुझे बोलना। तो अभी मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर मूवी पे आती है गेम ओवर। इस मूवी को 2019 में रिलीज करा गया था। IMDb की तरफ से इस मूवी को 6.9 की रेटिंग्स मिली है। बेसिकली इस मूवी में दो अलग अलग कहानियां चल रही होती है, बट आगे जाके दोनों एक ही में मिल जाती है। एक तरफ एक लड़की होती है जो कि एक गेम डिजाइनर होती है, बट उसे नेक्टोफोबिया नाम का एक बीमारी होता है, मतलब कि उसे अंधेरे से काफी ज्यादा डर लगता है। मतलब उसके अराउंड अगर लाइट थोड़ा सा भी नहीं हो तो भाई वो इतना ज्यादा डर जाती है कि वो समझो मर जाएगी। मतलब उसको जो अंधेरा है वो थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं होता है। और वहीं दूसरी तरफ सिटी में कुछ ऐसे सीरियल किलर्स घूम रहे हैं जो लोगों को काफी ब्रूटल तरीके से मार रहे होते हैं। बट मूवी में ट्विस्ट तो तब आती है जब वो सीरियल किलर्स उस लड़की के घर में घुस जाते हैं उसे मारने के लिए। तो भाई आगे की स्टोरी में आप लोगों को नहीं बताऊंगा, आगे लिटरली काफी ज्यादा मजा आने वाला है इस मूवी को देखने में। ये मूवी आप लोगों को नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल देखने को मिल जाएगी, तो एटलीस्ट एक बार जरूर से जाके चेकआउट करना। बढ़ते हम लोग अपने सेकंड नंबर मूवी की ओर, तो वो है तीन। इस मूवी को 2016 में रिलीज करा गया था। IMDb की तरफ से इस मूवी को 7.2 की रेटिंग से मिली है। इस मूवी में एक बच्चा होता है जो कि किडनैप हो जाता है, और ये जो केस है वो एक 8 साल पुराना केस से लिंक्ड होता है। बट इस केस को तीन लोग मिलकर सोल्व कर रहे होते हैं। पहला तो भाई उस केस के पुलिस ऑफिसर, उसके बाद एक पुजारी होता है, और तीसरा बंदा वो जो वो 8 साल पहले एक बच्चा किडनैप हुआ था उसके ग्रैंडफादर। भाई लिटरली मूवी काफी ज्यादा इंसेंट रहने वाली है, तो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो अमेजन प्राइम पर ये मूवी आप लोग अवेलेबल देखने को मिल जाएगी, तो एटलीस्ट मेरे रिकमेंडेशन से आप लोग जरूर से जाके देखना। बढ़ते हम लोग अपने थर्ड नंबर मूवी की ओर, तो वो है हसीन दिलरुबा। इस मूवी को 2021 में रिलीज करा गया था। IMDb की तरफ से इस मूवी को 6.9 की रेटिंग्स मिली है। बात करें इस मूवी के स्टोरी लाइन के बारे में, तो देखो इस मूवी में तापसी पन्नू होते हैं जिसपे की एक इल्जाम लगा हुआ होता है एक मर्डर का, और वो जो मर्डर का इल्जाम लगा हुआ होता है वो उसके हस्बैंड का ही होता है। अब देखो लोगों को भी ऐसा शक होता है कि एक्चुअल में जो मर्डरर है वो तापसी पन्नू ही है, बट वो मर्डरर नहीं है। अब लोगों को ऐसा क्यों शक हो रहा है मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि उन दोनों के बीच कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता है, और ऊपर से तापसी पन्नू का किसी और के साथ अफेयर भी चल रहा होता है। तो बस इस वजह से पुलिस और लोगों को शक होता है तापसी पन्नू के ऊपर। तो भाई आगे क्या होने वाला है, मतलब एक्चुअल में मर्डर कौन है, किसने मर्डर किया और क्यों किया है, आगे क्या होने वाला है, इन सभी चीजों को जानने के लिए आप लोग को मूवी को देखना होगा। ये मूवी आप लोग को नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग जाके देख सकते हो। बात करते हैं हम लोग अपने फोर्थ नंबर मूवी के बारे में, तो वो है बदला। इस मूवी को 2019 में रिलीज करा गया था। IMDb की तरफ से इस मूवी को 7.7 की रेटिंग्स मिली है। बात करें इस मूवी के स्टोरी लाइन के बारे में, तो इस मूवी में तापसी पन्नू को दिखाया गया है जो कि एक एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो कि एक दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक होटल रूम पे जाते हैं, और वहां होटल रूम में जाने के बाद उनके ऊपर अटैक हो जाता है, और उस अटैक के दौरान उसका जो बॉयफ्रेंड है वो मर जाता है। अब भाई देखो अब होटल उनके साथ गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई जो इल्जाम है वो तापसी पन्नू के ऊपर ही लगेगी। तो भाई आगे क्या होने वाला है, मतलब वो अपने इल्जाम से कैसे बच पाते या फिर नहीं बच पाते, और वो कौन लोग थे जिन्होंने अटैक किया उन लोगों के ऊपर, इन सभी चीजों को जानने के लिए आप लोगों को इस मूवी को देखना होगा। लिटरली गाइस ये जो मूवी है वो आप लोगों का दिमाग घुमा के रख देगी, तो इस मूवी को आप लोग एक बार जरूर से जाके देखना। ये मूवी भी आप लोगों को नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग एक बार जरूर से जाके चेकआउट करना। तो बढ़ते हम लोग अपने लास्ट बट नॉट लीस्ट, मतलब फिफ्थ नंबर मूवी की ओर, तो वो है फ्रेडी। इस मूवी को 2022 में रिलीज करा गया था। IMDb की तरफ से इस मूवी को 7.4 की रेटिंग्स मिली है। इस मूवी में कार्तिक आर्यन को दिखाया गया है जो कि एक डेंटिस्ट होता है और काफी ज्यादा सीधा साधा डिसेंट बंदा होता है। बट भाई एक दिन उसके क्लिनिक पे एक लड़की आती है पेशेंट बनके, और दोनों को एक दूसरे से धीरे धीरे प्यार हो जाता है। बट भाई मूवी में ट्विस्ट तो तब आती है जब कार्तिक आर्यन को पता चलता है कि उस लड़की का पहले से एक हस्बैंड है, बट वो जो हस्बैंड है वो उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करता है, मतलब उसे काफी ज्यादा मारता है। तो भाई आगे एक ऐसा ट्विस्ट है जो कि मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, आप लोग मूवी में देखना। लिटरली गाइस मूवी काफी ज्यादा इंसेंट रहने वाली है। ये मूवी आप लोगों को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग एक बार जरूर से जाके चेकआउट करना। और हाँ, ये जो मैंने अभी आप लोगों को पांचों मूवीज बताई, ये आप लोगों को गजब का थ्रिल एक्सपीरियंस करवाने वाली है, तो इन पांचों मूवीज को बिल्कुल भी मिस मत करना, जाके देखना, मजा ना आए देखने में तो फिर मुझे बोलना।